नूरपुर के लिए मैंने जो कुछ मांगा मुख्यमंत्री ने दिल खोल कर दिया, ये कहना है नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया का। विश्राम गृह नूरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री का नूरपुर दौरे का ऐतिहासिक दौरा बताया, जिसमें नूरपुर को करोड़ों की सौगातें मिली। सिविल अस्पताल नूरपुर को 200 बेड का करना, डायनालिसिस सेंटर खोलना, ब्लड बैंक खोलना, फिना सिंह नहर जिसका काम बजट न होने के कारण बंद होने जा रहा था उस प्रोजेक्ट को 5 करोड़ रुपए देना, इको पार्क निर्माण के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करना बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जसूर में बस अड्डे बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके लिए 5 लाख रुपए की अग्रिम राशि भी प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 86 कनाल भूमि में बनने जा रहा है ये बस स्टैंड प्रदेश का आधुनिक बस स्टैंड होगा, जिसमें 200 के करीब दुकानें होंगी। विधायक ने कहा कि उनका प्रयास है कि नूरपुर को एक आदर्श विधानसभा बनाया जाए और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा नूरपुर को दी गई सौगातों पर उनका धन्यवाद जताया। आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का एक दिवसीय दौरा नूरपुर का खत्म हुआ। उससे 2 दिन पहले उन्हीं की स्कीमों के निरीक्षण के लिए उन्होंने परिवहन मंत्री एवं वन मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी ठाकुर को यहां भेजा था। इन गोविंद जी के टूर के दूसरे दिन आदरणीय मुख्यमंत्री का टूर था तीसरे दिन, और 2 महीने के अंदर जहां एक बरसात हैंडपंपों की, सड़कों की, कामों की और विकास की नई गति नूरपुर को हमने प्रदान की है, वही मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने 200 बिस्तर का अस्पताल हमें देकर नूरपुर की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया, नूरपुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। नूरपुर के हॉस्पिटल में डायलिसिस का शुरू होना, नूरपुर के हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का आना, नूरपुर के हॉस्पिटल के अंदर नई अल्ट्रास्कैन मशीन का पहुंचना, ये सब एक कुछ उज्ज्वल समस्याएं थी जो नूरपुर की पब्लिक फेस कर रही थी। अब 200 बिस्तर का अस्पताल आएगा, सदुआ में चौकी खुलेगी, नूरपुर में वॉर मेमोरियल बनेगा, इको पार्क बनेगा, ये सब सुविधाओं के से लैस होकर नूरपुर एक नई दिशा आप देखने लगा है। नूरपुर में जब वॉर मेमोरियल बनेगा और वहां पे इको पार्क बनेगा तो हमारे एक्सर्समैन के लिए जो है एक्सर्समैन कॉरपोरेशन हमीरपुर का एक एक्सटेंशन काउंटर हम यहाँ पे खुलाएंगे, वहां पे एक वेलफेयर ऑफिसर यहाँ बैठाएंगे, कैंटीन हमारे यहाँ खुलेगी और ECH की रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ पे होना शुरू। उससे हमारे फौजी जो गुरदासपुर या पठानपुर जाते थे उनकी और योल जाते थे उनकी समस्या का समाधान होगा, उनको यहीं पे जो है ECH की सुविधा भी मिलेगी, कैंटीन की भी मिलेगी और एक वार्ड मेमोरियल के साथ से नूरपुर के शहीदों को और हमारे फौजियों को जो मान सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। 31 मार्च से पहले पहले नूरपुर जसूर के अंदर जो एक प्रॉपर बस स्टैंड बन रहा है 86 कनाल जगह जो है उसके उसका एक आधा पोर्शन लेके उसमें एक प्रॉपर बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 50 लाख रुपया कल धनराशि मुख्यमंत्री जी रिलीज करके गए। ये कम से कम 5-7 करोड़ तक जाएगा, पर ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शॉप्स जो है 200 की बनेगी, उनकी हम ऑक्शन करके इसको सेल्फ रिलायंट प्रोजेक्ट खड़ा करने वाले हैं। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा बनने वाला अपने आप में, सब बहुत बड़ा बस अड्डा बनेगा और शिमला के बाद नए बस अड्डे के बाद मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर यह बड़ा अड्डा होगा जो जिसका काम हम कल हमने उसके आर्टेक्ट के लिए आदेश कर दिए हैं। 2-4 दिन में आर्टेक्ट मंडे ट्यूसडे को आगे इसके कागज करके हमने कहा 31 मार्च से पहले पहले सारी फॉर्मेलिटीज की करके हमें 50 लाख रुपए इसका लगाना है। इसके अलावा हमारी फिना सिंह नहर जो बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो मैंने शुरू किया था और पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने उसका वो बेड़ा गर्क किया कि आज वो एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। कल रात को मैंने चीफ इंजीनियर पूछा तो कहते हैं सिर्फ 38 लाख में 50,000 रुपए बचा, सॉरी 50,000 रुपए करीब उनके पास राशि बची थी और कह रहे थे अगले महीने शायद हमें इसको बंद करना पड़ता और इनके पास कोई फंडिंग नहीं आ रही। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ की घोषणा की और शाम को मेरे को इस बात की खुशी है कि शाम को ही पैसा रिलीज हो गया और मंडे तक यह है फंडिंग जो है अवेलेबल हो जाएगी। 5 करोड़ की फंडिंग के बाद हमें सेंट्रल स्टेट का शेयर भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो अब ये लगता है जो नहर सूखने जा रही थी अब हरी भरी हो जाएगी और जो जयराम जी ने इसको आशीर्वाद का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपने 5 करोड़ रुपए कल राशि रिलीज करके नूरपुर की इस मरती हुई परियोजना को एक नया रूप दिया जो कांग्रेस सरकार का के कामों का जो दुर्घटना इस प्रोजेक्ट से हो रही है अब नहीं होगा। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा कॉलेज की बिल्डिंग, एक नया खेल का मैदान, 25 करोड़ का नया स्टेडियम, ये सारे कामों के निर्माण के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। मैं विधानसभा सत्र के तुरंत बाद इन सब कामों को
का लेखा जोखा भी करूंगा और आज आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री का नूरपुर के प्रति जो उन्होंने कल आदर दिया, मान दिया, सम्मान दिया, जो नूरपुर की जनता कल अपने आप में एक रिकॉर्ड जनसभा हुई है, 12,000 से ऊपर लोग, 7,500 तो कुर्सी लगी थी, 12,000 से ऊपर लोग जिसमें 60% महिलाएं थी, 6-7 हजार की महिलाओं की संख्या, कल 7,500 कुर्सी 99% हमारी महिलाओं से भरी हुई थी। इतना बड़ा मान सम्मान जो हिमाचल के लोगों ने जयराम जी को दिया है और जो नूरपुर के लोगों ने बढ़ चढ़ के जो मान सम्मान दिया और मुख्यमंत्री जी ने भी बढ़ चढ़कर हमारी सारी मांगों को माना, उनका कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।